नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। ब्रजेश्वरी देवी पीठ, यह देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नगर में स्थित है, जो कभी इस राज्य की राजधानी था। यहां आज चामुंडा देवी, ज्वालामुखी देवी आदि की शक्तिपीठें स्थापित हैं, अतः स्थान अति पवित्र माना जाता है। सांप्रदायिक एकता का प्रतीक यह मंदिर कांगड़ा की प्रसिद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। पौराणिक कथानुसार इस क्षेत्र में जलंधर नाम का दैत्य अनेक वर्षों से देवताओं से युद्ध कर रहा था, पर उसे परास्त करना कठिन था। अतः विष्णु एवं शंकर ने कपटी माया से इसे परास्त किया। दोनों देवताओं ने उसकी भक्त पत्नी के शाप से डर कर मरणासन जलंधर को दर्शन देकर वर मांगने को कहा, तो दैत्य ने कहा कि मेरा पार्थिव शरीर जहाँ जहाँ फैले वहाँ सभी देवी देवताओं और तीर्थ का निवास रहे और श्रद्धालु दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। इसी कारण शिवालिक पर्वतों के मध्य 12 योजन के क्षेत्र में यह पीठ फैला हुआ है। यहाँ अनेक मंदिर तथा तीर्थ हैं। मंदिर में प्रवेश द्वार पर शेरों की जोड़ी के दर्शन होते हैं। मंदिर के चारों ओर परकोटा बना है, जिसकी परिक्रमा में अनेक चमत्कारी प्रतिमाएं विद्यमान हैं। मंदिर नगर के मध्य भाग में एक पहाड़ी पर है। इसमें एक बड़ा एवं ऊंचा शिखर है, जिसके नीचे माँ की पिंडी विराजमान है। छोटे छोटे शिखरों से भी मंदिर सुशोभित है। मंदिर प्रांगण में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, जिसमें भक्त मान्यता पूर्ण हेतु कलावा बांध देते हैं। मंदिर में भीड़ नियंत्रित करने हेतु लोहे की रेलिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे यात्री सरलता से दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। मंदिर की पूजा अर्चना एवं रख रखाव हेतु एक ट्रस्ट बना है। मंदिर प्रांगण में ही दाईं ओर ध्यानु भक्त एवं माता की मूर्ति है। ऐसी मान्यता है कि इसी मंदिर में ध्यानु भक्त ने अपना शीश काटकर माता को भेंट कर दिया था। मुख्य मंदिर के पास ही भगवान शिव के दर्शन कृपाली भैरव के रूप में एक प्राचीन मंदिर में होते हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर शिव के एक शिष्य वीरभद्र का सुंदर प्राचीन मंदिर है। कथा है कि इसी वीरभद्र के द्वारा शिव ने दक्ष के यज्ञ स्थल को नष्ट करवा दिया था। कुरुक्षेत्र सरोवर, इस कुंड में स्नान करने से पितरों का उद्धार होता है। ग्रहण में स्नान करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गुप्त गंगा, लगभग 2 किलोमीटर दूर एक जल का सरोवर है, जिसमें जल कहां से आता है यह ज्ञात नहीं हो सका। जल की कमी को दूर करने हेतु अर्जुन ने बाण चलाकर यहां जल उत्पन्न किया था। सहस्त्रधारा, मंदिर से 4 किलोमीटर पर एक पहाड़ी गुफा में जल की अनेक धाराएं बहती रहती हैं और एक जल प्रपात लगभग 20 फीट ऊंचाई से गिरता है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि निःशुल्क है।